हाँ देखिए क्वेश्चन सुनो जरा ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपरों में आता है जनरली। सुनिए जरा ध्यान से सुनिए सभी। कह रहा है कि भाई मैंने ना बाइक्रोमेटिक यूज किया हुआ है लाइट, यानी दो वेवलेंथ वाला, तो दोनों के अपने अपने इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे, दोनों के अपने अपने इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे ना। अगर आप पॉलीक्रोमेटिक यूज करेंगे तो सब हर वेवलेंथ के अपने अपने इंटरफेरेंस पैटर्न बनेंगे, हर वेवलेंथ के लिए अपना मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा। तो ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि भाई दो वेवलेंथ है आपके पास, देख बेटा लैम्डा वन है 6000 और लैम्डा टू कितना दिया हुआ है 4500 दिया हुआ है। स्क्रीन की दूरी कितनी है, दोनों स्लिट के बीच की दूरी कितनी है 1 mm। तो तुमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, कहा जा रहा है, सुनो सुनो, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तुमसे कि भाई बताओ बताओ कि सबसे पहली बार सेंट्रल मैक्सिमम से, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमम से सबसे पहली बार दोनों के मैक्सिमा कब कोइंसाइड करेंगे, दोनों के मैक्सिमा कोइंसाइड कर रहे हैं यानी कि दोनों की फ्रिंज एक ही जगह पे बन रही है, दोनों की फ्रिंज किसी एक ही जगह पे बन रही है सेंटर से, यानी दोनों के लिए जो वाई है वो क्या है, सेम ही है, दोनों के लिए वाई सेम ही है। क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है आपसे कि वो वाई बताओ क्या होगा, ठीक है ओके। तो देखो सुनो, बहुत सिंपल सी बात है, दोनों के फ्रिंज विड्थ निकाल लो, बीटा वन निकाल लो पहले। तो बीटा वन इक्वल टू क्या होगा, बीटा इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा वन इंटू का डी बाय डी। तो बीटा वन आ गया, यहां से आपका सारी वैल्यूज डालोगे, जब आप लैम्डा वन की वैल्यू डालो, डी की वैल्यू डालो, स्मॉल डी की वैल्यू डालो, तो बीटा वन जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 0.6 mm। और इसी प्रकार से बीटा टू निकाल लो, बीटा टू आपका कितना आ रहा है भाई 0.45 mm, ये वैल्यू डालना है यहां पर, ठीक है। देखो D और D की वैल्यू दे रखी है, लैम्डा वन और लैम्डा टू दे रखा है, तो इस तरीके से आप बीटा वन और बीटा टू निकाल लेना, ठीक है। निकाल लिया हमने बच्चों, अब सुनो बीटा वन और बीटा टू आ गया, अच्छा दोनों दोनों के फ्रिंज विड्थ आ गई है, दोनों की ये क्या है, दोनों की ये फ्रिंज विड्थ है। अच्छा एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, दोनों का जो दोनों जो फ्रिंजेस होंगे, दोनों का फ्रिंजेस का जब ओवरलैपिंग हो रहा है तो ये डिस्टेंस सेम होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा दोनों के लिए कॉमन होगा। तो आप पता है क्या करोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत सिंपल सा काम करना है, आप इन दोनों का बीटा वन और बीटा टू का एलसीएम ले लो, क्या ले लो, टेक एलसीएम ऑफ बीटा वन एंड बीटा टू। बीटा वन और बीटा टू का एलसीएम ले लिया जाए, बीटा वन और बीटा टू का क्या ले लिया जाए, एलसीएम, क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, क्या लोगे बच्चों, एलसीएम, एलसीएम ले लो। इसका जो आप एलसीएम लोगे ना, तो आपका जो वैल्यू आएगा, यहां से जो वैल्यू आएगा वही वाई का वैल्यू होगा, यहां से जो एलसीएम लोगे इनका तो वही आपका वाई का वैल्यू होगा, सीख लो ये चीज। तो वाई इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 1.8 mm, ठीक है ओके ठीक। अच्छा ये आ गया होगा सबको समझ में, अब सुनो एक और चीज सुन लो, एक और बात, तो हो सकता है कि दोनों अलग अलग वेवलेंथ है भाई, दोनों अलग अलग वेवलेंथ है, ये तो आप देख ही रहे हो, ठीक है ना। जितना बीटा इजिकल टू क्या होता है, बीटा इजिकल टू लैम्डा डी बाई डी होता है, जितना बड़ा वेवलेंथ होगा उसकी फ्रिंज विड्थ उतनी क्या होगी, चौड़ी होगी, उसकी फ्रिंजेस उतनी क्या होंगी भाई, चौड़ी फ्रिंजेस होंगी, और कम वाले की लैम्डा जिसका कम होगा उसकी नैरो होंगी फ्रिंज विड्थ, ठीक है। तो एक बात और नोट कर लीजिएगा, एक और तरीका है, हमेशा याद रखिएगा ओवरलैपिंग की क्या कंडीशन होती है, एन इंटू का बीटा ऑफ लॉन्गर, बीटा ऑफ लॉन्गर इक्वल टू क्या होता है, एन प्लस वन इंटू बीटा ऑफ शॉर्टर, ठीक है, एन इंटू बीटा लॉन्गर इक्वल टू एन प्लस वन इंटू का बीटा शॉर्टर, ठीक है समझ गए। तो यहां पे ये वैल्यू डाल दो, एन इंटू बीटा लॉन्गर, बीटा वाला लॉन्गर कितना आया था भाई 0.6 आया था, और इक्वल टू एन प्लस वन बीटा शॉर्टर, बीटा शॉर्टर कितना है भाई 0.45, तो ये कितना हो गया 0.45। आप पता क्या करो, अब सुनो बच्चों, पता क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, सुनो अब यहां से एन की वैल्यू सॉल्व कर लोगे तो एन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा आपका 3, तो एन प्लस वन कितना आ जाएगा 4। वैल्यू सॉल्व करके देखो ना, ये वैल्यू सॉल्व करिए,
तो n का वैल्यू आपका क्या आएगा, 3, ठीक है। तो n प्लस 1 आपका क्या आ जाएगा, 4। इसका मतलब कि लॉन्गर वाले का थर्ड, लॉन्गर वाले का थर्ड मैक्सिमा और शॉर्टर वाले का फोर्थ मैक्सिमा क्या कर रहे हैं, आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। यह भी पता चल गया कि एक तो डिस्टेंस पता चल गया भाई, वाई पता चल गया, दूसरा क्या है कि यह भी पता चल जाएगा कि कौन सा है, कौन सा फ्रिंज है वो, समझ गए। नोट कर लीजिए इसे, कह रहा है कि E1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, E0 साइन 2πx1 बाय लैम्डा माइनस का 2πf टी लगा दो यहां पे, सॉरी, प्लस पाई बाय 6, और ये E2 दिया हुआ है, ठीक है। तुमसे कह रहा है कि भैया x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रिलेशनशिप होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, समझो, यहां पे φ1 तुम्हारा क्या होगा, φ1 हो जाएगा तुम्हारे पास 2πx1 बाय लैम्डा प्लस का पाई बाय 6, और φ2 क्या होगा बेटा, φ2 देखोगे तो क्या हो जाएगा 2πx2 बाय लैम्डा माइनस का 2π सॉरी प्लस का पाई बाय 8। देखो जरा ध्यान से सुनो, ये φ1 आ गया और ये वाला क्या आ गया भाई तुम्हारे पास, φ2 आ गया, देख रहे हो सभी, ये आ गया φ1 और ये क्या आ गया, φ2 आ गया, देख रहे हो ना सभी, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम्हारा φ1 आ गया और ये क्या आ चुका है भाई, ये मेरे पास आ गया φ2। अब सुनो सभी, तो डेल्टा φ क्या होगा, फेस डिफरेंस, जो डेल्टा φ होगा वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का क्या होगा, वो डिफरेंस होगा। तो सुनो, आप अब इन्हें आपस में घटा दीजिए, तो यहां से φ1 माइनस φ2 कर लेते हैं, φ1 माइनस φ2, तो φ1 माइनस φ2 कितना आ रहा है जरा मुझे बताइए, जब आपस में इन दोनों को घटाया जाएगा तो क्या आएगा, 2πx1 बाय लैम्डा प्लस का पाई बाय 6, में से आप माइनस कर रहे हैं ये पूरा, यानी कि 2πx2 बाय लैम्डा माइनस का पाई बाय 8, है ना। तो देखो डेल्टा फाइ क्या आ गया भाई, यहां से तुम्हारे पास डेल्टा फाइ आ गया, कितना आ गया देखो, हाँ 2π कॉमन ले लेते हैं, हाँ, और लैम्डा भी कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे क्या आएगा, x1 माइनस x2 और ये पाई बाय 6 माइनस का पाई बाय 8, इनका ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, प्लस का पाई बाय 24, ठीक है। तो बेटा यहां से देखोगे, अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा फाइ क्या होना चाहिए, 2nπ प्लस माइनस 2nπ ही तो होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखो इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2nπ किसके बराबर हो जाएगा, 2π बाय लैम्डा और यहां पे x1 माइनस का x2 प्लस का पाई बाय 24, एग्री करते हो सभी यहां पे। अब आप देखोगे ध्यान से तो पाई सभी में कॉमन है, काट दो, तो 2n इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पे, देखो 2n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे, 2 बाय लैम्डा यहां पे x1 माइनस और प्लस का 1 बाय 24। तो बेटा यहां से आ नहीं जाएगा x1 माइनस x2, यहां से x1 माइनस x2 जो आया सॉल्व करके वही क्या है, वही रिलेशन है, समझे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पूरा जो तुम्हारे पास सेटअप है इसको किसमें डाल दिया, वाटर में डाल दिया, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, ठीक है। तो तुमसे कह रहा है कि अब बताओ फ्रिंज विड्थ क्या होगा, जो फ्रिंज विड्थ होगा वो क्या होगा। आप सभी को पता है ना कि बीटा इजिकल टू क्या होता है भाई, बीटा इजिकल टू होता है लैम्डा इंटू का डी बाय डी, जानते हैं हम सब जानते हैं बीटा इजिकल टू क्या होता है, लैम्डा इंटू का डी बाय डी, जानते हैं भाई। तो यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी, तो मीडियम में है ना हम लोग, हम किस में, मीडियम है, तो यहां पे क्या लेंगे, लैम्डा मीडियम इंटू का डी बाय डी। हमको पता है भैया कि जो लैम्डा मीडियम होता है वो क्या होता है, लैम्डा एयर बाय म्यू मीडियम होता है कि नहीं होता है, तो यानी कि बीटा मीडियम आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा एयर डी बाय डी और सीधे नीचे क्या आ जाएगा, म्यू, ठीक है, हाँ
यानी कि बीटा सॉरी बीटा मीडियम यहां पे आएगा, बीटा मीडियम क्या हो जाएगा, बीटा एयर बाय म्यू मीडियम, है ना, यहां म्यू एम है बेसिकली, है ना, यानी वन बाय म्यू टाइम फ्रिंज विड्थ क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो मतलब पतला हो जाएगा आपका फ्रिंज विड्थ। तो सुनो जरा ध्यान से सुनो, इसमें सारे डेटास डाल दो, तो बीटा मीडियम क्या आ गया, लैम्डा एयर कितना दिया है 600, ठीक है। अच्छा तुम देख लोगे 600 नैनोमीटर है, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस 9, 10 की पावर हो जाएगा माइनस 9। और डी कितना दिया 1 मीटर, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। स्मॉल डी कितना है, 0.2 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से इसको किसमें कन्वर्ट कर लें, तो 10 की पावर क्या लिख दें यहां पे, -2, सही बात है। और क्या बचा, म्यू, म्यू की वैल्यू क्या है भाई, 4/3 है, तो 3 को ऊपर लिख दें, तो ये वैल्यू सॉल्व कर लेंगे जब हम, तो हमारा वैल्यू आएगा सॉल्व करके कितना आएगा भाई, ये वैल्यू आएगा 0.225 mm, ठीक है, चलो नोट कर लो। चलो देखो भाई क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो स्लिट्स है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.5 mm, कैपिटल डी कितना दिया हुआ है, यानी कि स्क्रीन का जो डिस्टेंस है स्लिट से वो कितना है, 100 सेंटीमीटर। कह रहा है कि सेंटर से, ठीक है ना, सेंटर से 9th ब्राइट जो है, 9th ब्राइट जो है और 2nd डार्क फ्रिंज जो है उनके बीच का जो गैप है वो कितना है, 7.5 mm। मतलब 9th ब्राइट फ्रिंज, 9th ब्राइट और 2nd डार्क, इनके बीच का जो गैप है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है सॉरी वो कितना है, 7.5 mm, ठीक है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ जो लाइट है वो जो यूज किया गया लाइट वो कितने वेवलेंथ का यूज किया गया है, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसी कंडीशन में वैल्यू डाल दो, ब्राइट की कंडीशन क्या होती है, 2n-1, ठीक है, 2n सॉरी ब्राइट है बेटा, ब्राइट के लिए सॉरी, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ब्राइट के लिए क्या कंडीशन होगी, 9 लैम्डा इंटू का डी बाय कैपिटल डी, यही होना चाहिए, वाई, ये फ्रिंज विड्थ नहीं है, वाई है, वाई में स्मॉल डी नीचे आता है ना, अच्छा ऊपर ही आता है, डी बाय डी बीटा, बीटा बाय लैम्डा, हाँ ठीक है ऊपर ही आता है डी बाय डी। तो चलो देखो जरा सुनो ध्यान से सुनो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 9 इंटू का लैम्डा डी बाय डी माइनस का ब्राइट, ओ सॉरी माइनस का डार्क सेकेंड वाले का, तो 2 इंटू का 2 माइनस 1, क्योंकि 2n-1 होता है ना, 2n-1 लैम्डा डी बाय 2d, हाँ बिल्कुल यही कंडीशन है, और ये किसके बराबर गिवन है, मुझे 7.5 mm के बराबर गिवन है, 7.5 mm का मतलब है कि 7.5 × 10⁻³⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ये सारे डेटाज यहां डाल दीजिए, इन सारे डेटाज को SI यूनिट में डाल दो, समझ रहे हो, ये जो डेटाज हैं इनको SI यूनिट में डाल दो यहां पे, ओके, तो आपका लैम्डा आ जाएगा यहां से, तो आपका लैम्डा यहां से आ जाएगा, और लैम्डा कितना आएगा भाई, लैम्डा जो आएगा वो आएगा 5000 एंगस्ट्रॉम आएगा, मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम आएगा, आएगा तो मीटर में, लेकिन उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेना, तो कितना आ जाएगा, 5000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, ठीक है भाई नोट कर लो। चलो देखो कह रहा है कि दो ऐसे पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का 75% इंटेंसिटी हो, तो सीधी सी बात है एक पॉइंट ऊपर होगा और एक पॉइंट जस्ट इसके नीचे होगा, दोनों का डिस्टेंस बराबर बराबर ही होगा, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा भाई, बराबर बराबर ही होगा सेंटर से, ऐसे सिमेट्रिकली बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं हमें, ठीक है ना, ऊपर और नीचे दोनों पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिनकी इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो
तो सुनिए जरा ध्यान से, अब बात ऐसी है कि किसी भी पॉइंट मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है, 4I0 होता है कि नहीं होता भाई? मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता है? 4I0 होता है, इस बात से एग्री करते हैं सभी? तो इसका 75%, इसका 75% कितना हो जाएगा? तो वो आ जाएगा 3I0, आएगा कि नहीं आएगा भाई? ठीक है, वो आ जाएगा तुम्हारे पास 3I0। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो देखो जरा सुनो, ध्यान से सुनो, तो 3I0 चाहिए अपने को इंटेंसिटी, तो 3I0 जहां पे भी होगा, यहां पे 3I0 इंटेंसिटी चाहिए, तो उसका फाई कितना होगा निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, आई इक्वल टू क्या होता है, 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2, जानते हैं ना? तो 3I0 इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाय 2। ठीक है भाई, तो यहां से जरा देखो, ध्यान से सुनो, I0 से I0 कट गया, 3 बाय कितना आ गया यहां पे, 4 इजिकल टू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2। तो यहां से देखो भाई, सुनो, कॉस 5/2 कितना आ गया तुम्हारा यहां से, मतलब डेल्टा 5/2 वो आ गया है √3/2। एग्री करते हैं इस बात से सभी? हाँ, कॉस डेल्टा 5/2 इजिकल टू √3/2 आ गया है। तो यानी कि ऐसा कब होगा, यानी कि डेल्टा 5/2 का वैल्यू आ गया है, कितना आ गया है, 5/6। तो डेल्टा फाइव कितना आ गया, 5/3। ठीक है, अच्छा, और क्योंकि फ्रिंजेस ब्राइट है, तो देखो भाई, उसके लिए आपको पता है ना फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप है, फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में क्या रिलेशनशिप होता है, कि जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 2π/λ टाइम्स ऑफ क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है, यही होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ टाइम्स ऑफ पाथ डिफरेंस होता है, होता है ना? यही होता है बेटा, हाँ ठीक है। तो सुनो जरा ध्यान से सुनो, तो अच्छा भूल गए, कोई नहीं, तो देखो यहां पे ये तो π/3 आ गया, ये क्या आ गया, π/3 इक्वल टू 2π/λ डेल्टा एक्स। तो यहां से देखोगे ध्यान से, तो पाई से तो पाई कट गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, λ/6। एग्री करते हो इस बात से सभी, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, हाँ आपको पता है ना डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है, d sin θ। ठीक है, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, d × y/d, भाई डेल्टा एक्स d sin θ होता है, और साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू हम क्या लेते हैं, जंक्शन 10θ, और 10θ y/d होता है, तो dy/d इक्वल टू क्या आ गया, λ/6। सुन लो ध्यान से, अगर दिक्कत हो तो, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है तुम्हारे पास, जो डेल्टा एक्स होता है वो होता है d sin θ। जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू 10θ लेते हैं, तो 10θ किसके बराबर होता है इस सेटअप में, y/d के तो बराबर होता है, होता है कि नहीं होता है, होता है ना, होता है। ठीक है, चलो तो भाई अब यहां से देखोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y = आ जाएगा λ d/6d। देख लीजिए, एग्री करते हैं इस बात से सभी, λ d/6d देख लो। तो जब तुम y की वैल्यू डालोगे ना यहां पे, तो आएगा 0.1 mm, सॉरी मतलब ये सारी वैल्यू डालोगे ना लेमडा की, लेमडा d और स्मॉल d, इन सब की वैल्यू यहां से जब डालेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 0.1 mm, कितना आ गया y 0.1 mm। तो इतना ही y ऊपर, इतना ही y नीचे है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, जो टोटल डिस्टेंस है d डैश वो क्या हो गया, 2y, यानी कि 0.2 mm। अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए।